तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूँ। लगभग 9500 पदों पर वैकेंसी की सूचना लेकर आ चुका हूँ। ऑफिशियल अपडेट है और नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नोटिफिकेशन में क्या बातें बताई गई है, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं नोटिस पर। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया गया है तकनीकी सेवा आयोग लॉकडाउन के कारण अभी लगेगा समय। तो किस चीज़ में समय लगेगा? नियुक्ति में होगी 3 महीनों की देरी। तो यहाँ पर दोबारा काउंसलिंग शुरू होने में लगेंगे 3 से 4 महीने। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो कंट्री में, हमारे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर नियुक्ति में देरी होगी, 3 से 4 महीने की देरी होगी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्या बातें बताई गई है, किस पोस्ट की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो राज्य में 9462 यानी 9462 स्टाफ ग्रेड ए नर्स, 2200 विशेषज्ञ चिकित्सक, 4000 सामान्य चिकित्सक, 168 नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर और 6000 जेई की नियुक्ति होनी है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नर्स और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली के लिए काउंसलिंग संपन्न हो चुकी थी और सामान्य चिकित्सक की शुरू होने वाली थी, यानी कि जो सामान्य चिकित्सक हैं उनकी बहाली शुरू होने वाली थी। एंड वहाँ पर हुआ क्या कि और तभी लॉकडाउन की घोषणा से इस पर रोक लग गई है, ठीक है। तो लॉकडाउन की घोषणा के इस पर रोक लगा दी गई है। चिकित्सकों की बहाली के बाद नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति, यहाँ पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग होनी थी जो अपने आप रुक गई है, ठीक है। 3 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद यह फिर से यहाँ पर देख पा रहे हो 2-3 माह के लिए बढ़ सकता है। तो 3 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद ये 2 से 3 माह तक फिर से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में नर्स और विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे पद जिनके लिए काउंसलिंग हो चुकी है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में भी 3 महीने और लगेंगे। तो जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनकी अभी होना बाकी है, इन सभी को 2 से 3 मंथ यहाँ पर लग जाएंगे। और लगभग पोस्ट किसके लिए कितनी थी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद नर्सों की नियुक्ति में लगेंगे 20 से 25 दिन। ये नर्सों की नियुक्ति के लिए है, लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे, ठीक है। और ये बातें किनके द्वारा कही गई है, तो लॉकडाउन के कारण नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई जिन पदों के लिए काउंसलिंग यहाँ पे आप देख पा रहे हो चुकी है और उनका रिजल्ट तो हम लॉकडाउन के समाप्ति के बाद ही जल्द दे देंगे, लेकिन जिनकी काउंसलिंग बाकी है उनको शुरू करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अजय कुमार चौधरी, अध्यक्ष बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये जानकारी निकल कर आई हुई है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। या फिर आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज एंड नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाता है, आपको अपडेट रखा जाता है। तो जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।